शिवाजी महाराजांचा मानाचा मुजरा करून आजच्या दिवसाला आपण सुरुवात करणार आहोत. यावेळेस पहिले षटक घेऊन येईल पंकज डावखुरे हाताने गोलंदाजी करतोय. पंचांचा इशारा आमच्याकडे येईल की अवांतर धावसंख्येने मात्र सांघिक अकाउंट खोलले जाते. एक धावसंख्या डिपॉझिट होते धावपळकावर. तर ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाचा ओपनिंग स्क्वॉड आपण पाहतोय. ऑन स्ट्राईकवर आहे शुभम पाटील, तर नॉन स्ट्राईक एंडवर खेळतोय चेतन कोळी. या आपली शॉट ऑफ दिली फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू पकडला जाते. येथे नामी संधी आहे धावचीची. काय घडतंय? डिरेक हिट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता पण पॉपिंग क्रीज मध्ये खेळाडू सुरक्षितरित्या पोहोचला जातोय. एक धाव पुन्हा एकदा टोटल मध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्या एकने वाढेल. यावेळी आणखी एक शॉट ऑफ द लेंग चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये जाईल. टू बाउंड सीमापार दणदणीत चौकार. तर यावेळेस मात्र अकाउंट खोलले जाते चौकाराने. चेतन कुळे यांच्याकडून चार धावा मिळतील. धावसंख्या चारने वाढेल. सहा धावा धावपळकावर मिळतील. मँडेटरी पॉवर प्ले ऑन आहे आणि मँडेटरी पॉवर प्लेचा फायदा कसं करून घ्यायला हवं यावेळेस आणखी एक शॉट ऑफ दिली कव्हर पॉईंट रिझनमध्ये चेंडू ढकललाय. एक धावा निश्चित मिळेल. एका धावाने धावसंख्या डिपॉझिट केली जाईल. टोटलमध्ये एक धाव. सात धावा धावपळकावर येत आहेत. खरं तर पंकज खरत एक उत्तम गोलंदाज आहे पण एका बाजूने विचार केला तर शुभम पाटील आणि चेतन कोले हे नामवंत गुणवंत आणि प्रतिभेने भरलेले खेळाडू आहेत. मँडेटरी पॉवर प्ले ऑन आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर पाहिलं तर 38 सर्कलच्या बाहेर फक्त दोन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतील आणि अशा फ्री असलेले झोन्स आहेत ते म्हणजेच चौफेर बाजूने तुम्ही कोणतेही फायर फ्लाइंग शॉट्स खेळू शकताय. क्षेत्ररक्षणामध्ये अदला बदल केली जाते कारण त्या पद्धतीचे खेळाडू खेळपट्टीवर दाखल आहेत. वन सेकंड वी कॅन सी. यावेळी शॉट ऑफ दी लेंग काय पुल केलाय? पुल होईल का सक्सेसफुल? यस डेफिनेटली क्रॉस दी लाईन. पंचांचा इशारा होतोय. यस बँक मॅक्झिमम ह्यूज षटकार. करतोय गोलंदाजावर आक्रमण केलंय. पहिल्याच षटकामध्ये प्रहार आतषबाजी आणि आक्रमकता दाखवताना याबिली पॉपिंग क्रीज निवडलं होतं पण पंचांचा आमच्याकडे इशारा येतोय की यस डेफिनेटली ऑपेशीच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे आणि पंच सांगत आहेत की वाईड चेंडू आहे. टोटलमध्ये एक धाव आमचे गुणलेखक सुदर्शन डिपॉझिट करतायत. 14 धावा धावपळकावर येत आहेत. खरं तर सुरुवात ही अशा प्रकारची होणं खूप गरजेचं असतं. यावेळी आणखी एक काय प्रहार केलाय दर्जेदार एल बॅट मधून. पंचांचा इशारा काय येईल याकडे प्रतीक्षा केली जाईल आणि पंच सांगतात यस वन बाउंड सीमापार दणदणीत चौकार. सरपंच जयेंद्र जितेंद्र म्हात्रे साहेब यांच्या बॅनरला जर का हिट केला म्हणजे आधी त्या दिशेने हा फटका होता. तीन वेळा सरपंच बनण्याचा मान ज्यांना मिळाला त्यांच्या बॅनरला जा डायरेक्ट हिट केला तर जीत पाटील यांच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक असेल फलंदाजाला. यावेळी पंकजने फेकलेला चेंडू जाईल शॉर्ट थर्ड मिनिट रिझनला. 38 सेकंदमध्ये चेंडू पकडला जाईल. एक धाव पुन्हा एकदा कंप्लीट केली जाते आणि स्ट्राईक रोटेशन देखील होते. पुन्हा एकदा सिंगलवर कॉन्सन्ट्रेट केले जाते आणि पंचांचा इशारा येतोय की षटक क्रमांक एक हा संपलेला आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जर पाहिलं तर निलेश इलेव्हन जावले संघाची धावसंख्या होत आहे बिनबाद 19 धावा. अप्रतिम सुरुवात पाहायला मिळते ज्याप्रमाणे मँडेटरी पॉवर प्ले
ही संकल्पना करताना फर्स्ट ओव्हर कंप्लीटेड 19 धावा धावपळकावर डिपॉझिट झाल्यात. हॅलो साहिल कडू या क्षेत्ररक्षकाने जर का झेल पकडला तर पार्थ पाटील यांच्याकडून त्याला झेलसाठी हजारबद्ध पारितोषिक असेल. साहिल कडू या खेळाडूवरती एक विशेष प्रेम, लेग स्लिपला आहे कदाचित, आणि त्याने जर का झेल पकडला तर पार्थ पाटील यांच्याकडून त्याला एका झेलसाठी हजारबद्ध पारितोषिक असेल. तर निश्चितच येथे बक्षिसांचा वर्षावा पारितोषिक लागवली जातात, कारण आपल्या खेळाडूंना येथे प्रेरित करण्याचं काम येथे केलं जात आहे. येथील सेकंड ओव्हर घेऊन येतील मनीष कडू, राठा मोठं विकेटने गोलंदाजी करेल. ऑन स्ट्राईकवर आहे शुभम. यावेळीस मात्र काय दर्जेदार चेंडू फेकला जातो, अचूक टप्पा, स्पीड आहे, गती आहे, त्यासोबत दिशा देखील होती. खरं तर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ही संकल्पना 1979 साली झालेल्या माईक बिर्ली या इंग्लंडच्या संघनायकाने केलेली कृती, आणि त्यानंतरच 1992 विश्वचषकामध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ही संकल्पना इम्प्लिमेंट करण्यात आली आणि ती आज टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आपण पाहतोय मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. यावेळी डेक केलाय चेंडू, काय खोदून काढलाय, पॉपिंग क्रीजमधील चेंडू येईल डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये, पंचांचा इशारेल, यस डाऊन द ग्राउंड सीमापार चौकार. तर यावेळेस आणखी एक चौकार येईल बॅटमधून शुभमच्या. शुभम मात्र चांगली सुरुवात करतोय, कारण कोणत्याही कार्यक्रमाची, कोणत्याही खेळाची सुरुवात जर चांगल्या पद्धतीने झाली तर त्याची शेवट देखील चांगली करता येईल, आणि त्या पद्धतीने ॲज अ वीरेंद्र सेवाग ॲप्रोच दाखवतोय, जस्ट सी दी बॉल अँड हिट दी बॉल, अशा प्रकारे इथे खेळ शुभमच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. यावेळी क्या काबिलिय तारीफ, अप्रतिम, एक्सलंट डिलिव्हरी, कमबॅक केलं जाते मनीष कडू यांच्याकडून, कारण पहिला चेंडू सुरेख फेकला होता, त्यानंतर पाहिलं तर चौकारा आणि त्यानंतर तिसरं चेंडू निर्धाव फेकलं गेलंय. पॉपिंग क्रीज यॉर्कर मास्टर जे इंडियन क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय जसप्रीत बुमराला ओळखलं जाते, त्याप्रमाणे गोलंदाजी आज आपल्या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये देखील अनेक गोलंदाज करत असतात. यावेळी मात्र डायरेक्ट हिट टू द फूट यावेळीस मात्र कलेक्ट केलं, एक्झिक्यूट केलंय, लॉग ऑफ रिझनमध्ये डीपला चेंडू पकडला जाईल. तत्पूर्वी एक धाव पूर्ण केली जाते, आणखी एक सिंगलवर कॉन्सन्ट्रेट केलं जाते, स्ट्राईक रोटेशन होईल, धावसंख्या एकने वाढेल, 24 धावा धावपटकावर होत आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना निलेश इलेवन जावले संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर बिनबाद 24 धावा धावपटकावर येत आहेत. एक अप्रतिम सुरुवात पाहायला मिळते, विकेटची खूप नितांत गरज असेल, ती म्हणजेच ट्रॉम्बे कोलेवाडा संघास. यावेळी शॉर्ट ऑफ द लेंग, नो मॅच लँडला, येथे मात्र टू बाउन्स जाईल सीमापार, चांगला प्रयत्न होता, एफर्ट चांगला होता, पण जाईल सीमापार, दणदणीत चौकार. तर ट्रॉम्बे कोलेवाडा संघाची धावसंख्या होते या चौकाराने 28 धावा धावपटकावर डिपॉझिट झाल्यात. खरं तर सुरुवात चांगली लाभली, पण एका बाजूने पाहिलं तर नाणेफेकीचा कौल जिंकून निलेश इलेवन जावले संघाच्या संघनायकाने मात्र निर्णय घेतला की गोलंदाजी केली जाईल. यावेळेस आणखी एक फटका बॅटमधून येईल का, आणि चांगला प्रयत्न खरं तर होता लॉंग ऑन रिझनला, पण पंचांचा आणखी एक इशारा येतोय की यस बँक मॅक्झिमम गोल्डन स्पोर्ट क्लब नावा षटकार. नक्कीच महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मनसेचे एकमेव आमदार म्हणजेच सन्माननीय राजूदादा यांचं इथे गीत सादर केलेलं आहे. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला, येथे मात्र मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ऑफ होतील. यावेळी क्षेत्ररक्षण विस्तारलेलं पाहायला मिळेल, आणि धावसंख्या पाहिली तर बिनबाद 34 धावा म्हणजे 17.0% या गतीने मात्र एक वेल टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न
ट्रॉम्बे कोलीवाड संघाकडून पाहायला मिळतोय. काय सुरुवात केली, जरी का नाना आपल्या बाजूने आला नाही, निवेदन केलं फलंदाजीसाठी आणि याचा फायदा मात्र शुभम आणि चेतन करतायत. याबीस सर्वेश कडू चेंडू फेकत होता, पण पंचांचा इशारा होता की लेग हिस्ट्रीच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे, कमबॅक करावं लागेल. कारण ज्याप्रमाणे पहिली दोन षटकं झोडून काढलीत या दोन फलंदाजानं, शुभम आणि चेतननं, या विकेट्स खरं तर डोकेदुखी ठरतील ते निलेश इलेव्हन जावली संघाला, आणि या विकेट्स मैदानाच्या बाहेर पाठवणं खूप गरजेचं असेल. या बिली पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅक ऑफ द विकेटला चेंडू कलेक्ट केले जाईल, तत्पूर्वी एक धाव पुन्हा एकदा पूर्ण केली जाईल. सिंगल डबलवर देखील कॉन्सन्ट्रेट या दोन्ही खेळाडूंचा आपल्याला पाहायला मिळते, कारण क्रिकेटमध्ये चौकार आणि षटकारनेच मित्रांनो धावा बनवू शकत नाही, तर सिंगल डबल या शेवटच्या क्षणामध्ये या एकेरी दुहेरी धावांची देखील आपल्याला किंमत ही कळत असते, आणि एका धावीने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या होत आहे तिसरे षटक मार्गस्थ असताना ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघ बिनबाद 36 धावा. या बिली पुल्ड करण्याचा प्रयत्न, नो मॅन्स लँडमध्ये लँड होईल का, प्रयत्न चांगला होता चित्ररक्षकाचा, पण येथे मात्र एफर्ट चांगला आहे आणि प्रमोद कडू यांनी मात्र चांगला प्रयत्न केला गेला होता स्टॉप करण्याचा डिलिव्हरी, पण पंचांचा इशारा येईल की सीमापार होतोय. दणदणीत चौकार. तर चांगला एफर्ट दाखवलं होतं प्रमोद कडू या खेळाडूंनी, कारण एक एक धाव खूप महत्वाची आहे मित्रांनो, आणि या चौकाराची धावसंख्या वाढेल. 40 धावा धावपळकावर येत आहेत. यावेळी आणखी एक प्रहार, प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न, डीप केला डीप स्क्वेअर लेग रिजन रिजनमध्ये, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित केले जाईल एक धाव मिळेल, एका धावीने धावसंख्या वाढेल. 41 धावा धावपळकावर पोहोचले आहेत. तिसरे षटक मार्गस्थ आहे आणि ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाने जी की सुरुवात केली आहे ती सुरुवात सातत्य शेवटपर्यंत ठेवेल का, की शेवटच्या क्लायमॅक्समध्ये गेममध्ये निलेश इलेव्हन जावली संघ येईल का हे आपल्याला पाहायला मिळेल. वन्स अगेन सर्वेश कडू, अत्यंत वेगाने फेकलेला चेंडू, पण गतीसोबत दिशा नाही मित्रांनो, आणि पंच निश्चितच दंडित करत आहे गोलंदाज सर्वेश कडू यांना. अवांतर धावसंख्येत वाढ होईल, टोटलमध्ये देखील एक धाव डिपॉझिट केली जाईल, धावसंख्या एकने वाढेल. 42 धावा धावपळकावर झाल्यात. आणखी काही चेंडू या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळी प्रहार केलाय, जातोय लागवान रिझनमध्ये, काऊ कर्णला चेंडू पकडला जाईल, एक धाव मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न केला जाईल पण स्टॉप केले जातोय, थांबावं लागेल, एकच धाव मिळते. एका धावाने धावसंख्या वाढेल. 43 धावा धावपळकावर पाहायला मिळतात. गोल्डन स्पोर्ट क्लब नावा यांच्या या मानाच्या स्पर्धेमध्ये आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना पाहायला मिळतोय. यावेळी सहलक्या हाताने केलेला चेंडू फुलर लेंगचा फ्रंट ऑफ द विकेटला जोपर्यंत कलेक्ट केला जाईल, आणखी दोन धाबा सांघिक खात्यामध्ये डिपॉझिट केले जातील. कौतुक करावं लागेल दोन्ही खेळाडूंचं, ज्याप्रमाणे आजच्या दिवसाची भागीदारी पाहायला मिळते. 45 धावांची या दोन खेळाडूंची सलामवीर जोडीची भागीदारी पाहायला मिळते, ज्याप्रमाणे T20 क्रिकेटमध्ये उस्मान गनी आणि हजरत जजई यांची 234 धावांची पार्टनरशिप. यावेळी शॉट थर्ड मॅन रिजनला, कोणतीही चूक करणार पंकज, आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला झटका लागतोय चेतन कोहली, वॉक हॅज टू बॅक टू दी पवेलियन. तर येथे वॉटर ब्रेक आलेला आहे, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे, आणि धावपळकावर धावका धावा जर पाहिल्या तर 15.0 प्रतिषटक धावा जमावताना ट्रॉम्बे कोलीवाडाला आपण पाहतोय. खरं तर सुरुवात चांगली झाली, पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर 19 धावा, त्यानंतर मनीष कडू याने फेकलेला षटक त्यामध्ये 15 धावा, आणि त्यानंतर सर्वेश कडू याने
11 धावा खर्च केल्यात. म्हणजे ज्याप्रमाणे पहिलं षटक एक्सपेन्सिव्ह पाहायला मिळालं त्यानंतर मात्र कंजूस गोलंदाजी कमी कमी धावा देत मात्र मनीष कडू आणि सर्वेश यांनी पहिली ओव्हर कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय. यावेळेस मात्र रनरेट जर पाहिलं तर 15.00 गतीने ट्रॉम्बे कोलीवाडा मात्र एक वेल टार्गेट सेट करण्याच्या दिशेने पाहायला मिळते. खरं तर विकेट खूप महत्वाची आहे. ज्याप्रमाणे भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळेल ज्या जर का आपली टॉप ऑर्डर चांगल्या पद्धतीने एक पाया रचतोय खरं तर क्रिकेटमध्ये तर निश्चितच धावांचा डोंगर रचण्यामध्ये मधली फळी आणि बॉटम ऑर्डर उत्सुकच असते. यावेळी सर चौथं षटक घेऊन येईल दिनेश. बॅकफुटवर जाऊन डिपॉट रिजन मध्ये मारण्याचा प्रयत्न. पंचांचा आमच्याकडे इशारा येतोय की यस. पुन्हा एकदा ऑपोजिटच्या बाहेर चेंडू आहे. अभांतर धावसंख्येचे टोटलमध्ये एक धाव डिपॉझिट होईल. धावसंख्या एकरी वाढेल. 46 धावा धावपटकावर पाहायला मिळतात. दुपारीचं सत्र चालू आहे आणि उन्हाच्या प्रखर ज्वाला सोसून खरं तर स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आणि आपल्या संघाला ही ट्रॉफी गोल्डन स्पोर्ट क्लबमध्ये आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये कशी मिळेल यासाठी मात्र सर्व उत्सुक आहेत. यावेळी मात्र डिक केलंय खोलत फेकलेलं चेंडू. काऊ करणं रिझनला चेंडू पकडला जाईल. आणखी एक धाव टोटलमध्ये डिपॉझिट केली जाईल. एका धावीने धावसंख्या वाढेल. 47 धावा धावपटकावर पाहायला मिळत आहेत. अप्रतिम सुरुवात पण यावेळीच मात्र कौतुक करेन मनीष कडू या गोलंदाजाचं ज्याप्रमाणे जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातं. अजूनपर्यंत हात मोकळे करता आले नाही या षटकामध्ये कारण अजून मेन अंपायर मिस्टर हॅरी डान्सिंग अंपायर आहे त्यांच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. अक्षय ठाकूर आमचे गोल्डन क्रिकेट संघाचे खजिनदार आणि आयोजक त्यांच्याकडून 200 रुपये आलेत हरी सरांसाठी. निश्चितच आणि त्यांच्यासाठी एक चौकार देखील आलेला. या चौकारने धावसंख्या वाढेल. यावेळी अर्धशतक सांघिक झलकावलं जाते. 51 धावा धावपटलावर आपल्याला पाहायला मिळतात आणि पंच आमचे डान्सिंग पंच हॅरी यांच्यासाठी गोल्डन स्पोर्ट क्लबचे आयोजक म्हणजेच अक्षय यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि या चौकाराचे मात्र धावसंख्या अर्धशतकावर पोहोचलेली. 51 धावा धावपटकावर पाहायला मिळत आहेत. वन सेकंड वेकॅन्सी. मनीष राईट अमोर द विकेट. यावेळी अंगातील ताकद बॅटमध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न पण बॅट आणि चेंडू यामध्ये कोणताही समन्वय आपल्याला पाहायला मिळत नाही. चेंडू सरळ जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता होईल. स्कोर रिमेन्स ॲज इट इज ऑन द स्कोर बोर्ड. 51 लॉस ऑफ 1 विकेट इन द फॉर्म ऑफ चेतन कोहली. यावेळी दिनेश पाटील मात्र सोबत देईल शुभम पाटील या खेळाडूची. यावेळी बॅक ऑफ द विकेटला. यावेळी काय पंचांचा आगला वेगळा अंदाज काय आपण पाहतोय. अवांतर धावसंख्या काय आगल्या वेगळ्या पद्धतीने येथे सादर करत आहे. धावसंख्या पुन्हा एकदा एकने वाढेल. 52 धावा धावपटलावर आपल्याला पाहायला मिळतात. सुरुवात चांगली झाली या षटकामध्ये. जर पाहायला गेलं तर पहिला चेंडू सुरेख फेकला होता त्यानंतर मात्र चौकार त्यानंतर एक डॉट चेंडू त्यानंतर एक अवांतर धावसंख्येत पुन्हा एकदा डिपॉझिट केली जाते. एक धाव धावसंख्या एकने वाढेल. 52 धावा ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाचे आपल्याला पाहायला मिळतात. 1 विकेटचं नुकसान सहन करावा लागतोय. यावेळी फुल्लर लिंगचा चेंडू कव्हर केलाय एक्झिक्युट केलंय डीप मिड विकेट रिझनला चेंडू पकडला जाईल. एक धाव पूर्ण दुसरीसाठी प्रयत्न होता आणि पंचांचा इशारा काय येईल. पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या कदाचित फलंदाज पोहोचला असावा आणि कदाचित 2 पंचांमध्ये डिस्कशन होऊ शकते. सो वी कॅन वेट अँड वॉच. And here, no any review provision. कोणती रिव्ह्यूची प्रोव्हिजन इथे नाही आहे. आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. खरं तर पॉपिंग क्रीजमध्ये हा खेळाडू पोहोचला आणि इथे 2 धावा सुदर्शन डिपॉझिट केल्या जातील. धावसंख्या 2 ने वाढेल. 54 धावा धावपटकावर येत आहेत. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. मनीष कडू गोलंदाजी मार्कवर आहेत. ही विकेट खूप महत्वाची आहे. खरं तर शुभम पाटील जोपर्यंत मैदानावर आहे तोपर्यंत धावांची आतषबाजी बरसात आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय दिनेश पाटील ऑन स्ट्राईकवर आहे. वन्स अगेन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा
पंच एक आगल्या वेगळ्या पद्धतीने वाईड चेंडू सादर करत आहेत. प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतोय, प्रदर्शित पंच आणि त्यांच्यासाठी येते पारितोषिक देखील. अक्षयजी यांनी 200 रुपयाचा पारितोषिक लगावलेला आहे. धावसंख्या 1 ने वाढेल. 56 धावा धावपटलावर पाहायला मिळतात, 55 धावा धावपटकावर पाहायला मिळतात. खरं तर ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाची सुरुवात चांगली झालेली आहे, पण शेवट कसं होतं याकडे मात्र लक्ष केंद्रित असेल. वन्स अगेन मनीष या बिली काय प्रहार केलाय, चेंडू जाईल परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. पंचांचा इशारा होते येस डेफिनेटली क्रॉस द लाईन, येतो एक ब्रँडेड दर्जेदार षटकार. एकसष्ट धावा धावपळकावर ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाची पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस कमबॅक करणं खूप गरजेचं असेल. आणि इथे पाहायला मिळेला झेल पकडण्याची नामी संधी होती, पण पंचांचा इशारा आमच्याकडे काय येतो यस यस यस, दिस इज अ वाईड डिलिव्हरी, नो डिलिव्हरी. आणि काय आगला वेगळा अंदाज आहे, खरं तर उन्हाच्या प्रखर ज्वाला सोसून खरं तर असं वाटतंय की पंच गरम झालेत की काय. आणि दंडित केले खरं तर गोलंदाज मनीष कडू यांना, 9 चेंडू घोषित केले, फ्री हिट असेल. यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न केला झाला होता, पण एकच धाव मिळेल, धावसंख्या 1 ने वाढेल. आणि 4 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झालाय. 4 षटकानंतर पाहिलं तर धावपळकावर धावसंख्या ट्रॉम्बे कोलीवाडे संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. 1 गडी बाद 64-64 धावा, आणखी 1 षटक रिमेन्स आहे. आणि या षटकामध्ये कितपत धावा जमावल्या जातील, एक काय वेळ टार्गेट सेट केलं जाईल की या ओव्हर्समध्ये धावा कव्हर केल्या जातील, ज्या की पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा, त्यानंतर 15 धावा, आणि थर्ड ओव्हरमध्ये 11 धावा, आणि त्यानंतर फोर्थ ओव्हरमध्ये पाहिलं तर आणखी 19 धावा मनीष कडू याने खर्च केल्या. तर ही षटक संघनायकानं दाखवलेला विश्वास, 5वा गोलंदाज निवडलाय साहिल नाईक. साहिल नाईक आपल्या संघासाठी कम बॅक करेल का, निलेश इलेवन जावले संघाला परत गेममध्ये आणेल का, हे आपल्याला पाहायला मिळेल. वन्स अगेन राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी आणखी एक पुल करण्याचा प्रयत्न होता, पण बॅटची एज लागत आहे. सिंगलवर पुन्हा एकदा कॉन्सन्ट्रेट केले जाते. 1 धावसंख्या धावपडकावर डिपॉझिट केली जाईल. 65 धावा धावपडकावर येत आहेत. साहिल हा गोलंदाज आहे या षटकामध्ये, त्याला प्रत्येक विकेटसाठी पार्थ पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं या खेळाडूला. नक्कीच आपल्या गुणवान खेळाडूंना इथे प्रेरित करण्याचं काम केलं जात आहे. यावेळी लोवर फुलटा चेंडू डीक केला, एक्झिक्यूट होते काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये, कोणतीही चूक करत नाही. प्रसाद घरत काय झेल पकडतोय मॅडी. पार्थ हे खरं तर आमचे जे मान्यवर आहे ते लकीर ठरले या गोलंदाजासाठी, बक्षीस लावला आणि विकेट मिळाला, 500 रुपयाचा मानकरी ठरला या ठिकाणी साईल हा खेळाडू. नक्कीच आपण प्रेरित केलं आणि त्या प्रेरणेने मात्र त्या प्रकारचं चेंडू फेकलं गेलं साहिल नाईक कडून, आणि बक्षीस पात्र झालंय. खरं तर 500 रुपयाचं पारितोषिक या खेळाडूसाठी इथे बहाल करण्यात आलेलं आहे. धावसंख्या 33 राहील. 5वं षटक मार्गस्थ आहे आणि ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाची धावसंख्या पाहिली तर 2 गडी बाद 65 धावा. यावेळीच नौका खेळाडू अखिलपटीकडे दाखल होईल हेमंत पाटील. ओ कनेक्शन प्रॉपर आहे, प्रॉपर परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, आणि यावेळेस क्रॉस होईल मिड विकेट क्षेत्र. पंचांचा इशारा येईल यस डेफिनेटली ह्यूज मॅक्झिमम मार्वलस एक्सलंट षटकार. शुभम पाटील या खेळाडून यावेळेस आणखी एक फटका, कव्हर होईल का, क्रॉस होईल का, एका झेल पकडण्याचा मानस होता कडू यांचा, पण पंच सांगतायत की यस लॉंग ऑफ रिझन वरून जातोय डीप लॉंग ऑफला. एक आणखी एक होतोय दर्जेदार षटकार. डीजेत धून आहे अप्रतिम. यावेळी स्टेक केले पॉपिंग क्रीज मध्ये फेकलेला चेंडू कव्हर पॉइंट रिझन मध्ये क्षेत्रक्षेत जोपर्यंत केला जाईल 1 धाव पूर्ण आणि दुसरीसाठी प्रयत्न.
आणि इथे दोघांमधील तालमेल, कम्युनिकेशन, संवाद याच्या जोरावरच मात्र दोन धावा देखील पूर्ण होत आहेत. आणि या दोन धावीची धावसंख्या वाढेल. या मैदानावर गेली चार दिवसातील उच्चांक गाठलाय. खरं तर 1900 धावा धावपाडकावर या मैदानावर जमावण्यात यश आलंय, ते म्हणजे ट्रॉम्बे कोलेवाडा संघास. यावेळेस लास्ट डिलिव्हरी. ओ हो, देर इज अ नो मॅन्डर अंडर द डीप अँड दिस डिलिव्हरी क्रॉस द लाईन फर्स्ट. यस, स्पॅक मॅक्झिमम ह्यूज षटकार. आपल्याला पाहायला मिळते दोन गडी बाद 85 धावा आणि 86 धावांचं एक वेल टार्गेट सेट केलं गेलं आहे. तर याच दरम्यान आपण पाहतोय आजचा शुभ दिवस आहे. आणि या आजच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर संदीपजी वासकर पनवेल क्रिकेट लाईव्हचे फाउंडर यांचे सुपुत्र आपण पाहतोय हितांश. या हितांश बाळाचं खरं तर आज प्रथम वाढदिवस आहे. आणि या प्रथम वाढदिवसानिमित्त गोल्डन स्पोर्ट क्लब नावा यांच्या आयोजित या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या सर्वांकडून हितांश या बाळासाठी निश्चितच वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा असतील. तर या 86 थाबा कशा प्रकारे पूर्ण होतील का की प्रोटेक्ट केल्या जातील. आणि यासाठीच मात्र सेकंड इनिंगसाठी मी मायक्रोफोनची कमांड देतोय सचिन सरांकडे. तर आपण मात्र मायक्रोफोनची कमांड स्वीकारायची आहे. खरं तर सुरुवात चांगली झाली, आघात चांगला आहे. आणि ज्याप्रमाणे स्टार्ट अननोन आहे, फिनिश अनफर्गेटेबल असली पाहिजे. आणि यासाठीच मात्र मी मायक्रोफोनवर कनेक्ट करतोय सचिन सरांना. थैंक यू सो मच राकेश जी. गरत का आवाज सुनते नजर आए. पहले इनिंग में मातृभाषा मराठी में करुषी गांव के हमारे एक नव युवक समालोचक, उभरते हुए समालोचक. और निश्चित तौर पर आज देखा जाए तो आज के पूरे दिन और जिन्होंने इस सीजन में शानदार समालोचक किए हैं हमारे तारा गांव के रोशन पाटिल सर. बिजी शेड्यूल जरूर चल रहा, लेकिन नावा गाँव के लिए जो प्रेम है उनका, खासतौर पर इस गाँव के लिए बिजी शेड्यूल होने के कारण भी आज कीमती समय निकालकर आज पूरे दिन हमारे साथ समालोचन करते जरूर नजर आएंगे. साहिल कडूचे 500 रुपये तुम्ही पाहू शकाल मागच्या इनिंगमध्ये त्यांच्यासाठी लावले होते, ते कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा झालेले आहेत. मॅच संपल्यानंतर घेऊन जायचं. सुस्वागतम, वेलकम आप सभी का एक बार फिर. गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं. और आज चौथा दिन मैच नंबर 2 आपके सामने चलता हुआ. एक तरफ टीम शरद 11 ट्रॉम्बे, स्वर्गीय शरद कोहली, उनके स्मरणार्थ में ये टीम आज उतरी है. और नावा मैदान पर हमेशा इस टीम की एंट्री रहती है. और आज जिस प्रकार एंट्री की है टीम ने,
एंट्री अब तक रॉयल वाली एंट्री रही है, क्योंकि टारगेट की अगर बात करें तो 85 रन बनाया गया ट्रॉम्बे के माध्यम से। शुभम पाटिल 42 रनों की अफलातून इनिंग पहले इनिंग में, और निश्चित तौर पर जावले के गेंदबाजों की कमर तोड़ के रखी उन्होंने 42 रनों की अफलातून पारी के लिए। और सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रसाद गरद, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, खासतौर पर जिस खिलाड़ी ने जावले गांव का नाम सात समुंदर पार, यानी निश्चित तौर पर 10 MPL में भी जाकर जिस खिलाड़ी ने यहां पर दमदार प्रदर्शन किया है, और रायगढ़ टीम की तरफ से खेलते हुए बढ़िया प्रदर्शन रहा है, उनको रिप्रेजेंट किया रायगढ़ टीम को इन्होंने। और पिछले एक दो वर्षों की अगर बात करें तो रन मशीन वाला काम किया, हर मैचेस में, हर टूर्नामेंट में प्रसाद गरद के बैट से रन निकले, अर्धशतक ये पारी खासतौर पर इनके माध्यम से देखने को मिले। 5 ओवर का मैचेस हो और प्रसाद गरद अर्धशतक लगाए काफी कम देखने को मिला अब तक पिछले 2-3 वर्षों में। मुकाबले की शुरुआत हो रही है, यानी सेकंड इनिंग की आगाज, बॉलिंग मार्क पर शुभम पाटिल जिन्होंने बैटिंग की अब तक शानदार। इस बार लाजवाब स्क्वायर कट खेलने की कोशिश थी, बैट के बीचों बीच निकला है, ये चौका नहीं चाबुक स्ट्रोक था, गेंद गई यहां पर स्वीपर कवर की रीजन में, दमदार शानदार शुरुआत। एक नाम जरूर लिया जाता है प्रसाद गरद जावले गांव के, और दूसरा नाम हमारे डीजे मैडी का, बचना है हसीनों और लो मैं आ गया, उसी प्रकार की गीत, उसी प्रकार का ये शॉट सिलेक्शन था। पहली गेम पर शानदार आगाज पारी की है, और मेरे ख्याल से 41वें प्लेयर है जिन्होंने चौके के साथ पारी की आगाज की है, सुदर्शन जी पाटिल हमारे तारा गांव के एक अव्वल दर्जे के स्कोरर हमें ये जानकारी देते हुए। इंटरनेशनल स्टैटिस वाला आप देख सकते हैं, एनालिसिस वाला यहां पर स्कोरिंग हो रहा है, जिस प्रकार हमने इंटरनेशनल मैचेस में स्कोरिंग देखी उसी प्रकार के स्कोरिंग यहाँ पर सुदर्शन जी पाटिल के माध्यम देखने को मिलता हुआ। और ये क्वालिटी होती है एक प्रोफेशनल स्कोरर की, कि यहाँ पर एक एक मूवमेंट को यहाँ पर दर्शाना, कमेंटेटर को बताना कि इस प्रकार क्या स्थिति परिस्थिति मैच का अब तक चल रहा है। 86 का टारगेट है और शुरुआत अब तक शानदार हुई है प्रसाद गरद के बैट से, इस बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाएगी, जाता हुआ शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी ने वहां पर अच्छी फील्डिंग की है, एक रन जरूर मिलता हुआ, क्विक सिंगल, एक रन मुकम्मल, मानो जान हथेली पे लेकर एक रन दौड़े थे वहां पर बल्लेबाज प्रसाद गरत, और आज उनसे काफी उम्मीद है। 86 रन अगर चेस करना है टीम जावली टीम को, तो यहां पर इनके बैट से रन निकलना काफी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ये उम्मीद करेंगे जावली टीम इस मुकाबले में। आप देख सकते हैं अब स्ट्राइक एंड पर होंगे बैट्समैन राहुल, नाम तो सुना ही होगा, राहुल गरत अब आए हैं बैटिंग करने, पहली गेंद फेस करते नजर आएंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन लेकर उतरी टीम निलेश 11 जावली टीम आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ शरद 11 ट्रॉम्बे टीम शुरुआती ब्रेक थ्रू की तलाश में गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही, शुभम पाटिल एक अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर, जिन्होंने बैटिंग अच्छी की पहली इनिंग में, 42 रनों की शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे, जिसकी वजह से टीम ने एक अच्छा टोटल सेट किया है आज के चौथे दिन के दूसरे मैच में। लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब स्ट्राइक पर है, सामने गेंदबाज आप देख सकते हैं शुभम, दाया से ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक इन साइड आउट, गेंद जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी मैदान के अंदर होगी तो शानदार मैच देखने को मिलेगा। इससे पिछली गेंद पर प्रसाद गरत के बैट से निकला था एक शानदार स्ट्रोक, अब बारी है राहुल गरत की, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जाए यहां पर उस प्रकार की बैटिंग मैदान के अंदर, स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा 9। IPL थीम आप सॉन्ग सुन सकते हैं यहाँ पर, ये टोन, और 26 मार्च से IPL का आगाज होगा यहाँ पर, और इस बार पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में यहाँ पर 4 वेन्यू में IPL के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। 2 ग्रुप्स बनाए गए इस बार, बिगेट करने की कोशिश थी, डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात, मिड विकेट की दिशा में दिनेश पाटिल इन एक्शन नजर आते हुए, थ्रो आप देख सकते हैं बिल्कुल सटीक, हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी शुभम पाटिल को, सीधा उनके हाथ में गेंद, एक अभी तो चौका लगाया है छक्का अभी बाकी है कहते हुए बैट्समैन, अभी तो चौका लगाया है छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा आपने, अंजाम बाकी है यहां पर, मुकाबले का अंजाम क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। ओवर द विकेट, बॉलर बैक टू ड्राइव खेलने की कोशिश थी, ऑफ ड्राइव किया, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात, इन एक्शन दिनेश पाटिल आप देख सकते हैं, काफी यहां पर कड़ी मेहनत करते हुए, भाग दौड़ करते हुए, इससे पिछली गेंद पर जब राहुल ने स्ट्रोक खेला था तब दौड़कर वहां पर गेंद को फील्ड किया, और इस बार प्रसाद गरज जब उन्होंने शॉट खेला यहां पर लॉन्ग वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में तब जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है सभी ऑफ फील्ड के खिलाड़ियों को, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा सा कह सकते कि सिरदर्द रहता है किसी भी कप्तान के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा 11 पर,
शुरुआत अब तक अच्छी मिली है, टिट फॉर टैट इट का जवाब पत्थर से देते हुए दोनों यहां पर बल्लेबाज विपक्षी टीम को और दर्शाते हुए कि हम में भी है दम और यहां पर दोनों टीमों है कि नहीं है किसी से कम। उस प्रकार का ये मैच, उस प्रकार की क्वालिटी भरी मुकाबला आपके सामने देखने को मिलता हुआ। 86 का टारगेट और पहले ओवर का खेल हुआ है कंप्लीट। जावली टीम की अगर बात करें तो खास अच्छी बात उनकी टीम के लिए यह है, उनकी दृष्टिकोण से, कि विकेट नहीं गवाया है, जिसके लिए शुरुआत जिस प्रकार की स्टार्ट की उम्मीद कर रहे थे उसी प्रकार की स्टार्ट मिली है। पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर रन लगे टोटल 11 और देखा जाए तो अब जीतने के लिए 24 गेंदों में रन बनाने हैं 75। सुदर्शन जी पाटिल हमारे स्कोरर ये जानकारी दे रहे हैं 24 गेंदों में 75 रनों की आवश्यकता है। जैसे दूसरे ओवर की शुरुआत होगी डीजे मैडी आपके सामने आएंगे गीत लेकर। चौकों में अब तक डील हुआ है लेकिन अभी भी 6 का चेहरा देखना बाकी है हमें। सिक्सर कब देखने को मिलेगा प्रसाद घरत, जल्दी उम्मीद कर सकते हैं हम। मिस टाइमिंग स्ट्रोक इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, शरीर की तरफ से यहां पर वेट थोड़ा सा ट्रांसफर किया, बैकफुट पे गया, उसके बाद यहां पर गेंद को खेला फ्लिक ऑफ द रिस्ट और मिस फील्डिंग और मिस्टर हैरी सर का इशारा देख सकते हैं, अनोखा और 4। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के लिए बनाई गई थी, जिस वर्ष 2 अप्रैल को भारतीय टीम ने इतिहास रचा था, 28 वर्ष बाद वर्ल्ड कप जीती थी भारतीय टीम ने दूसरी मर्तबा। सुधीर कोहली लीडिंग एज, विकेट 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 और पहली कामयाबी, बड़ी मछली हाथ में लगती हुई और प्रसाद गरत सेट बैट्समैन जिन्होंने स्टार्ट अच्छे दिए लेकिन अपने स्टार्ट को बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन ब्रेक थ्रू माहिर खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने हमेशा अपनी टीम शरद 11 ट्रॉम्बे टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाया है, आज एक बार फिर चटकाया है विकेट, बड़ी मछली हाथ में लगी है और टीम को लगता हुआ 15 के स्कोर पर पहला झटका। प्रसाद गरत बैक टू द पवेलियन, नीलेश 11 जावले टीम को लगता हुआ पहला झटका। सचिन हे त्रिवेणी संगम आहे या ठिकाणी, जावळे संघाचे 3 भाऊ राहुल पंकज आणि प्रसाद। काल मनीष कडू अपयशी ठरला, एक मेडन षटक खेळला होता, बरोबर मनीषला तर मागे ठेवलं, पंकजला इथे इम्प्रूव्ह केलं खरंतर टॉप ऑर्डरमध्ये। येस बिलकुल सही का आपने, यहाँ पर थोडेसे बीच बीच में हमारे रोशन पाटील सर एक्सपर्ट वाली राय लेकर आएंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मॅच आहे, कड़ा और बड़ा मैच है। पैडल स्वीप किया इस बार, गेंद गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीचों बीच और फाइनेस्ट स्ट्रोक आता हुआ राहुल गरत के बैट से। रनों की थी दरकार, चौके की थी दरकार और यहां पर किया है पलटवार बैट्समैन राहुल गरत ने, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे 19 पर। क्या बात है, पहले 440 वाट का झटका, उसके बाद बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तू डाल में पात, उस प्रकार की अब तक बैटिंग रही है राहुल गरत और उनके ही भाई बंधु, जिस प्रकार रोशन पाटिल सर ने कहा इनको थोड़ा सा पीछे रखा गया इस बैटिंग ऑर्डर में, इस रन चेज में, अब आए हैं मैदान पर बैटिंग करने। नंबर 3 का आंकड़ा जो काफी क्रूशियल होता है किसी भी टीम के लिए, हम भारतीय टीम की तरफ से देखें रन चेज में विराट रन मशीन कोहली ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग की, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, जो रूट इंग्लैंड के और स्टीव स्मिथ, ये ऐसा पोजीशन होता है और भारतीय टीम के लिए कई दशकों से राहुल द्रविड़ द वॉल जिनको जो नाम दिया गया वहां पर भी उस पोजीशन पर अच्छी बैटिंग करते नजर आए भारतीय टीम के लिए। इस बार लीडिंग है शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी इन एक्शन, एक और विकेट, अब तक यही सिलसिला रहा है, चौके के बाद चटकाया है विकेट, यानी पहले किया है बल्ले से वार फिर गेंदबाज ने किया है मैच में शिकार, ये अब तक सिलसिला रहा है, इस मैच की कहानी रही है। एक और झटका दिया यहां पर शरद 11 ट्रॉम्बे टीम ने, तीसरा कैसे कि यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ टीम को यहां पर 19 के स्कोर पर और बैट्समैन आउट हुए इस बार राहुल गरत।
की अगर बात करें तो टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है टोटल 25 और पहली गेंद पर चार, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर चार, चौथी गेंद पर विकेट, पांचवी गेंद पर अगर देखा जाए सिक्सर, अब तक ये मैच की कहानी रही है इस ओवर की। एक और यहां पर आप देख सकते हैं लॉफ्टेड ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद लीडिंग एज लेकर गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक और चार, गेंद जाती हुई यहां पर सीमा पार, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 29 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बड़ा ओवर आता हुआ, विकेट जरूर गिरा यहां पर इस ओवर की अगर बात करें लेकिन रन भी आए हैं देखा जाए तो। अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 18 गेंदे और टोटल रन बनाने यहां से 86 का टारगेट का पीछा करती हुई टीम नीलेश 11 जावले 59 रन बनाने, 57 रनों की आवश्यकता। रोशन पाटिल सर से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे यहां पर इस ओवर की अगर बात करें तो यहां पर पहले ओवर में 11 रन आए, इस ओवर में दो भाई बंधु आउट जरूर हुए लेकिन रन भी बनते हुए नजर आए, 18 रन आया रोशन सर इस ओवर में, क्या लगता है यहां पर क्या किस प्रकार का मैच आगे गुजरता हुआ नजर आएगा, 57 रन चाहिए या मैच मध्ये खरंतर आता एका भागीदारीची गरज आहे आणि विस्फोटक भागीदारीची गरज आहे कारण टार्गेट खूप मोठा आहे। काल आम्ही पाहिलं नावाखाडी स्पर्धेमध्ये जेव्हा एकट्या प्रसादनं 57 रन्स केल्या परंतु त्या संघाला दोन धावांनी पराभूत व्हावं लागलं होतं, परंतु इथे चांगले खेळ मात्र पंकज आणि त्याच्यासोबत असलेल्या नवीन खेळाडूला करावा लागेल, मोठी भागीदारी करावी लागेल। बिलकुल जिस प्रकार रोशन पाटील सरने चर्चा किया एक खिलाडी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते, बनना है आत्मनिर्भर, दोनों खिलाड़ियों को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमें सुदर्शन सर बता रहे हैं यहाँ पर 18 गेंदों में अब जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता है। मैच काफी कड़ा है, मैच काफी बड़ा है, दोनों टीमें यहाँ पर कैसे कि आने कैसे कि नामचीन टीमें 19 के अवसर से रन बनाने होंगे, ये ओवर काफी बड़ा बनाना पड़ेगा। स्लॉग स्वीप किया है और गेंद यहाँ पर सीधा हाथ में, हिलना भी मत, होम डिलीवरी, सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हुए बैट्समैन इस बीच आप देख सकते हैं संदेश मात्रे का विकेट गिरा है, शून्य के स्कोर पर बैक टू द पवेलियन जाते हुए और टीम को लगता हुआ ये तीसरा झटका 29 के स्कोर पर 17 गेंदे और अब जीतने के लिए 57 की आवश्यकता। सत्रह गेंदे और जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता, यहां से देखा जाए तो 17 गेंदे और जीतने के लिए 57 रन और बनाने हैं कहती हुई टीम यहां पर नीलेश 11 जावले, कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं, कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं, अगर फिसल गया तो खुद से संभल सकूं और संभलना यहां पर टीम को नीलेश 11 जावले टीम को। इस गेंद की अगर बात करें तो डॉट बॉल आया है, मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती हुई क्योंकि आस्किंग रन रेट जो था इस ओवर की शुरुआत से पहले 19 का था अब 20 के पार जाता हुआ क्योंकि दो गेंदे अब तक डॉट हुई है जिसमें से एक विकेट, डांसिंग डाउन द विकेट, ऑन द राइज खिला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी लेकिन उनके ऊपर से यहां पर चकमा देकर गई है और बैट से निकलता हुआ एक चमचमाता हुआ सिक्सर सीमा पार, 6 रन, व्हाट अ शॉट। चार गेंदों का सामना किया पंकज गरत ने अब तक और उनकी पारी की अब तक बात करें 6-4-6 कोई वीआईपी नंबर कह सकते कि तौर पे प्रीमियम नंबर डायल किया है अपने स्कोर कार्ड में। जीतने के लिए 15 गेंदों में रन बनाने हैं 51 51। एक और बैक टू बैक दूसरा कनेक्शन लाजवाब, टाइमिंग बेमिसाल, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद गई है सीमा पार, सिक्सर, धमाका, बैट से निकलता हुआ पंकज के। और अब देखने की बात अगर अब होगी तो यहाँ पर स्कोर कार्ड की तरफ नजर डालें तो जीतने के लिए अब 14 गेंदों में रन बनाने हैं 45 14 गेंदे 45 का समीकरण कहते हुए इक्के दुक्के रन पर नहीं है भरोसा, मैदान में हमेशा कोहराम मचाता है, आती है इसे धुआंधार बल्लेबाजी, हारवी बाजी को बचाता है, नाम है पंकज गरत,
जबरदस्त बैटिंग मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ आप देख सकते हैं। खिलाड़ी आउट हुए पहले प्रसाद घरत, उनके ही भाई, बड़े भाई, और उसके बाद विकेट गिरा राहुल घरत का। लेकिन त्रिमूर्ति, जिस प्रकार जो नाम दिया गया था रोशन पाटिल सर के माध्यम से, और त्रिमूर्ति का जो तीसरा जो त्रिशूल का भाग है वह यहाँ पर अच्छा साबित होता हुआ, कह सकते हैं कि यहाँ पर भाग्य वाला साबित होता हुआ। भाग्य आने वाला समय में क्या होगा यहाँ पर बैटिंग टीम का, आने वाला वक्त बताएगा। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर देवीदास कोहली, एक्सपीरियंस गेंदबाज, एक्सपीरियंस, अनुभव, कला और क्वालिटी अगर गेंदबाजी में हो तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को थाम देती है, बैकफुट पे ढकेल देती है, और वही होता हुआ। और कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट में आपको किसी बाजार में एक्सपीरियंस मिलता नहीं, अनुभव मिलता नहीं, आपको बीच मैदान में पसीना बहाकर कमाना पड़ता है। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद मिली थी, पुल किया स्ट्रोक को, पुल पावरफुल, गेंद गई है बीचों बीच, आउट ऑफ द पार्क, मैसिव हिट, पंकज घरत के बैट से निकलता हुआ एक और धमाका। पसीने बहाने पड़ेंगे मैदान पर, और कहती हुई टीम यहां पर नीलेश इलेवन जावले टीम 12 गेंदे 39 की आवश्यकता, और यही सिद्ध करते हुए कहते हुए इतिहास रटने नहीं, हम इतिहास रचने आए इस मैदान पर, और ऐतिहासिक ये मैदान है। जो अच्छा करता है सराखों पे बिठाया जाता है, याद किया जाता है इस मैदान पर। नाम है यहां पर इस मैदान का गांव देवी नावा। 12 गेंदे 39, बॉलिंग मार्क पर सुधीर कोहली, स्पेल का दूसरा ओवर, और यहां पर थोड़ी सी गलती हुई लेकिन मैं कहूंगा सही है, क्योंकि 12 गेंदों में अगर 39 की आवश्यकता है, जितनी गेंदे यहां पर पंकज घरत खेलेंगे उतना टीम के लिए अच्छा होगा, अनुकूल होगा। थैंक यू डीजे। आप रोशन सर, देखा जाए तो अब 11 गेंदों में रन बनाने, टोटल 39, 11 गेंदे 39 की आवश्यकता। क्या लगता है यहाँ पर पंकज घरत जिस प्रकार की बैटिंग करे, दूसरी ओर से क्या आना चाहिए यहाँ पर, बड़े चौके छक्के लगाना चाहिए, सिंगल देकर यहाँ पर पंकज को स्ट्राइक पे लाना चाहिए, आपकी राय? नुकतीच झालेली खरंतर उलवारोड प्रीमियर लीग स्पर्धा खरंतर मनीषनं गाजवली होती, परंतु आता यावेळेस विश्वास अगोदर पंकज आपल्या खेळेवरती, त्याने विकेट सॅक्रिफाईस करावं लागली, लावण्यास भाग पाडलं मनीषला, परंतु आता या सामन्यामध्ये पंकज ज्या पद्धतीने खेळतो तो त्याला मोमेंटम प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे इथे कमबॅक करू शकतो जावळे संघ, आणि कमबॅक करावं लागेल। 39 रनों की आवश्यकता, 13 रन, 11 गेंदे 39 की आवश्यकता, हल्की सी अपील की गई यहाँ पर, थोड़ी सी करारा बाउंसर था ये, और बल्लेबाज के दिमागी जहन में डाला गया कि बाउंसर है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उस बाउंसर का किस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देंगे आने वाला वक्त बताया जाएगा। 10 गेंदे अब 39 की आवश्यकता। कहते हैं ना, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, और शरीर से दूर गेंद थी लेकिन लाइन से भी काफी दूर, हैरी सर का इशारा था हुआ वाइट का। 10 गेंदे जीतने के लिए रन बनाने, टोटल 38,
10 गेंदे 38 का समीकरण, 4 गेंदे यहां पर आने वाला भविष्य बताएगा नीलेश इलेवन जावले टीम का। 4 गेंदों में अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच में वापसी करेगी टीम। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, यहां पर संघर्ष करती हुई टीम, संघर्ष करते हुए पंकज घरात अपनी टीम के लिए 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। 19 रनों की अब तक जुझारू पारी रही है, लेकिन दूसरे एंड से भी अगर चौके छक्के लगेंगे तो जीत की उम्मीद जगेगी, मैच में राह बनेगी, मंजिल तक पहुंचने की बात बनेगी फिर टीम के लिए। अब देखा जाए तो जीतने के लिए अब रन बनाने हैं। 9 गेंदे 37 की आवश्यकता, 9 गेंदे 37 की दरकार, बाउंड्री की तलाश में अभी भी जारी है मैच में संघर्ष यहां पर टीम नीलेश इलेवन जावले टीम का। लेकिन सुधीर कोहली की अब तक टॉप क्लास गेंदबाजी रही है, एक बड़े खिलाड़ी और बड़ा प्रदर्शन। फुल टॉस गेंद थी, मौका था फुल टॉस गेंद, यानी गेंद भेजना था सीमा पार, लेकिन ऐसा उल्के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, डॉट बॉल आया है, यानी गलती जो थोड़ी सी सुधीर से हुई थी, गेंद छिटका हाथ से, यॉर्कर की ट्राई कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, ब्लॉक होल डिलीवरी डालने की कोशिश थी उनकी, लेकिन फुल टॉस गेंद हुआ, लेकिन उसका फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए परेश ठाकुर। डॉट बॉल आता हुआ, मुश्किलें बढ़ती हुई जावले टीम के लिए। बिग हिट बैट के बीचों बीच, अब आएगा मजा क्योंकि बैट से निकला यहां पर एक धमाका छे। इसका समीकरण कहते ना मेरे दोस्त, उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो क्रिकेट में भी परिस्थितियां हरा नहीं सकती। परिस्थिति थोड़ी सी जरूर खराब है यहां पर नीलेश इलेवन जावले टीम की, लेकिन अभी भी लड़ रही है टीम, गिर रही है उठ रही है और लड़ाई लड़ती हुई इस मैच को जीतने के लिए। उम्मीद है अभी भी टीम को यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूरज की किरणें उम्मीद की रास्ता दिखाएंगी। 7 गेंदे 31 की दरकार, ओवर द विकेट सुधीर कोहली की, अगेन बैक बाउंस बैक किया है, वापसी की है सुधीर कोहली ने। शुभम पाटिल वहां पर इन एक्शन में नजर आते हुए, नजदीकी मामला हो सकता था, कलेक्शन हुआ नहीं है, यानी अंध भला तो सब भला, बाल बाल बचे बल्लेबाज वहां पर परेश ठाकुर, आता हुआ यहां पर सिंगल, और अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 6 गेंदे 30। रोशन पाटिल सर, 6 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता, कल इसी प्रकार की स्थिति थी रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में, 6 गेंदे 30 की आवश्यकता थी, राहुल जोगाड़िया का यहां पर काम तमाम किया था, वहां पर बल्लेबाज इम्तियाज वहां पर थे। कल चैंपियन ट्रॉफी मध्ये आपण पाहिलं राहुल जोगाड़े सारखे गोलंदाजा अगेंस्ट 30 रन्स कंप्लीट झाले होते, आणि त्याचबरोबरने आपण पाहिलं गावठाण संघाचा करण मडवी, त्याने पिल्लेसच्या मैदानातील विनोद भगतच्या केलेल्या आक्रमण, आणि त्यानंतर आपण पाहिलं मानकुळेचा दीपेश माले, त्याने एका षटकामध्ये केलेल्या 42 धावा, हा इतिहास आहे। मनीषनं देखील हा कारनामा केलाय, गोरसई बी संघाला पराभूत केलं होतं, आणि एक खूप मोठा इतिहासाने केला होता, 6 चेंडूमध्ये 29 रन्स चेस केले होते याच गावातील खेळाडू मनीष कडून, मनीष घरतनं खरं तर गोरसई बी या टीमला पराभूत केलं होतं, म्हणजे इतिहास आहे, परंतु वर्तमान काळामध्ये मात्र आता इथे संघर्ष करावा लागेल जावले टीमला। जोगिंदर राय ने गेंदबाज, और क्या बात है रोशन पाटिल सर के माध्यम से यहाँ पर रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं, एक एक रिकॉर्ड जो इनके जहन में है वो पूरा शेयर करते हुए और कहते हुए खिलाड़ियों को कि बन सकता है, मुश्किल जरूर अच्छे गेंदे थी लेकिन मुमकिन भी है क्योंकि नाम है खेल क्रिकेट। पहली गेंद इस बार ड्राइव किया है, मिड ऑफ के दिशा से गेंद गुजरता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दिनेश पाटिल वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे। अब 5 गेंदे 29 की आवश्यकता, राह थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और अब इसको थोड़ा सा करीब लाना आसान बनाना है, तो पूरा दारोमदार पूरी निगाह अब पंकज घरत के अंदर है। पंकज घरत की काबिलियत है, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, क्या लगा पाएंगे। 5 गेंदे 29 क्लीन बोल्ड, और इस विकेट ने यहां पर सुनिश्चित कर दिया है लगभग कि यह मैच में अब थोड़ी सी पकड़ बनाती हुई शरद इलेवन ट्रॉम्बे दूर से जरूर आई है, लेकिन निराशा हाथ से लेकर नहीं जाएगी क्योंकि जीत अगर सामने खड़ी है तो उसे ठुकराएगी नहीं। शरद इलेवन ट्रॉम्बे टीम ने यहां पर एक और विकेट चटकाया है और जिस खिलाड़ी से थी काफी उम्मीद उनका यहां पर विकेट गिर चुका है। 4 गेंदे और अब जीतने के लिए रन बनाने टोटल 29। लगेच रेडी रहा टॉस साठी, नेक्स्ट मॅच आता होणार जिंकलेली टीम सोबत एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा। सिद्धेश वास्कर चला या टॉस साठी रेडी रहा, यानंतरचा होणारा लढत तुम्ही पाहू शकाल जिंकणाऱ्या टीम सोबत, त्यांची मॅच असेल एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा। आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहू शकाल पहिली मॅच मध्ये खूप चांगला प्रदर्शन सिद्धेश वास्कर अँड कंपनी टीमचा राहिलाय, यानंतरचा होणारा नेक्स्ट मॅच तुमचा समोर 4 गेंदे 29 की आवश्यकता, माफ करना 4 गेंदे 29 की आवश्यकता थी, और अब ये टारगेट काफी दूर और दिल्ली भी दूर और ट्रॉफी भी
अब हाथ से थोड़ी सी दूर जाती हुई नजर आ रही है टीम नीलेश इलेवन जावले टीम के लिए। अब जीतने के लिए तीन गेंदों में रन बनाने, टोटल 28, छह गेंदे 30 चाहिए थे और देखा जाए तो तीन गेंदों में अब तक दो ही रन खर्च किया गया है। बढ़िया गेंदबाजी जोगिंद्र नांदगांवकर के द्वारा, ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में और जिस प्रकार की अब तक गेंदबाजी होनी चाहिए थी डेथ ओवर में, कप्तान ने जो भरोसा जताया है, बढ़िया यहां पर विकल्प ढूंढना है, बढ़िया यहां पर ऑप्शन ढूंढना है गेंदबाजी के लिए। सुधीर कोहली और उनकी टीम ने एक अच्छे बॉलर का इस्तेमाल किया आखिरी ओवर में, अच्छा कैसे था कि यहां पर सेविंग किया है आखिरी ओवर में, बचाया गया यहां पर जोगिंदर की ओवर को और कारगर साबित होता हुआ। मात्र औपचारिकता बाकी है क्योंकि अब यहां से यह मैच कैच जरूर छूटा है लेकिन मैच मुट्ठी में, कैच ड्रॉप हुआ लेकिन मैच यहां से अभी भी ड्रॉप नहीं हुआ है, मैच मुट्ठी में लगभग ये मैच जीत के कैसे कगार पर खड़ी है टीम, आप देख सकते हैं फील्डिंग टीम यानी शरद इलेवन ट्रॉम्बे। अब जीतने के लिए मात्र औपचारिकता बाकी है, आखिरी गेंद 26 रन और एक चीज तो जरूर यहां पर सुनिश्चित हुई है, बड़े मार्जिन से मैच जीतेगी शरद इलेवन ट्रॉम्बे टीम। अभिनंदन दूर से आए और चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर जाएगी पहले मैच में क्योंकि जीत दर्ज की है और हराया कि इसको इनफॉर्म टीम नीलेश इलेवन जावले टीम। जिस प्रकार रोशन पाटिल सर ने कहा इस टीम का यहां पर फॉर्म काफी अच्छा था लेकिन यहां पर क्लास नजर आया विपक्षी टीम का। ऑल द बेस्ट सिद्धेश वास्कर एंड टीम, नेक्स्ट मैच में खेलती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं सिद्धेश वास्कर की टीम खेलेगी टीम शरद इलेवन ट्रॉम्बे के साथ। आइए कैप्टन मैन ऑफ द मैच अनाउंसमेंट करेंगे और वहां पर जुड़ेंगे हमारे रोशन पाटिल सर टॉस बॉक्स में प्रेजेंटेशन के लिए। सुदर्शन जी पाटिल हमारे तारागांव के जरूर बताएंगे कुछ ही समय में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। 17 गेंदों में 42 रनों की अफलातून पारी और गेंदबाजी करते हुए थैंक यू शुभम पाटिल मैन ऑफ द मैच। शुभम पाटिल खूब चांगला वर्सेटाइल खेलाडू है, मी विनंती करते 40+ अतिशय आक्रमक फलंदाज रामदादा भोईर यांना विनंती होती आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी देणार आहोत शुभम कोळी या खेळाडूला। आणि हॅरी सर तुमच्यासाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे ते स्वीकारायचं आणि त्यानंतर साहिल तुझ्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते पण स्वीकारायचं, तू यायचं आहे व्यासपीठावरती पार्थ पाटील यांच्याकडून। तर शुभम या मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी आणि त्याचबरोबरने तुम्ही पाहता या ठिकाणी सरप्राइज गिफ्ट हॅम्पर खाता पिता ग्रुप कडून आणि ब्रँडेड टी शर्ट दिली जाईल। मी रामदादा भोईर यांना विनंती होतो आपण या आपल्या शुभ हस्ते शुभमला पण मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी देतो। ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स आणि या पहिल्या सामन्यामध्ये शुभम ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। चला एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या शुभमसाठी, लाजवाब इनिंग खेळला हा खेळाडू आणि इथे मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला साहिल या पण 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे साहिलसाठी एका विकेटसाठी पार्थ पाटील यांच्याकडून। उत्तम म्हात्रे साहेबांना विनंती होते आपल्या शुभ हस्ते साहिलला 500 रुपयाचा कॅश प्राईज द्यायचा। साहिल प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर कॅश प्राईज बस स्टॉप लक्ष